हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर नई एक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन की पेंशन को कैसे चेक किया जाता है, कि हमारी पेंशन बनी है या नहीं बनी है, कितनी पेंशन आती है, हमारी पेंशन कहाँ पर रुकी हुई है, किस महीने की होल्ड हुई है या फिर कंटिन्यूस चल रही है। चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, वृद्धा पेंशन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है SSPY यानी कि सीनियर सिटीजन पेंशन योजना, और इसको ओपन कर लेंगे। जो सबसे पहला नंबर का URL है SSPY.UP.GOV.IN, इसको ओपन कर लेंगे यदि आप UP से हैं तो, या फिर आप अदर स्टेट से हैं तो SSPY और उस स्टेट का नाम .GOV.IN अवश्य लगा दें और ओपन कर लें। इसको ओपन कर लेते हैं। ये पेंशन स्कीम का पोर्टल है। इस पोर्टल को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको वृद्धावस्था पेंशन को चेक करके दिखाऊंगा, मतलब कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनकी पेंशन को चेक करके दिखाऊंगा। वृद्धावस्था पेंशन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पर होम से आगे वृद्धावस्था पेंशन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में यहाँ पर आप योजना जो मिली हुई है उसके बारे में आप विस्तृत रूप से जान सकते हैं कि आखिर ये वृद्धावस्था पेंशन की क्या योजनाएँ होती हैं, और उसके बाद आवेदन का प्रारूप यानी कि फॉर्म भरने का प्रारूप क्या है, क्या तरीका है, उसको भी आप यहां से जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर वृद्धावस्था पेंशन सूचीवार देख सकते हैं। मुझे 21-22 की चेक करनी है तो पेंशन सूची यहां पर 2021-22 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां से अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर यदि आप विकास खंड से बिलोंग करते हैं तो ये फर्स्ट वाला है, और यदि नगर निकाय से बिलोंग करते हैं तो ये नीचे वाला आपको क्लिक करना है। आपका क्षेत्र नगर निकाय के अंदर आता है या विकासखंड के अंदर आता है उसी से आपको क्लिक करना है। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपका गांव विकासखंड के अंदर आता है तो अपने विकासखंड को चुन लेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पर विलेज, आपके गाँव का नाम, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपके गांव के कुल पेंशनर Q1 में कितने हैं, Q2 में कितने हैं, ये Q4 होते हैं यानी कि 3-3 महीने के आपको पेंशनर दिखाई देंगे। ये पेंशनर जो है घटते बढ़ते रहते हैं। इस समय हमारे गांव में 37 पेंशनर हैं, इस पर क्लिक करेंगे। पेंशनर का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी आयु, उसकी कास्ट कैटेगरी, मोबाइल नंबर, पेंशनर का पता और धनराशि, कितनी धनराशि आती है, बैंक किस बैंक में आती है, अकाउंट नंबर क्या है, पेमेंट रिलीज हुई है या नहीं हुई है, ये हमारे गाँव की पेंशनर की लिस्ट है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से अपने पेंशनर चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ में दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।